वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये है, आज है चांद रात के एक दो दिन पहले का ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अज़रा है और रिदा है और जायना के लिए मॉम ने कपड़े लेके आए थे मार्केट। ये लोग सब गए थे, हम लोग नहीं गए थे, मैं बाहर थी काम से, तो ये लोग सब मार्केट गए थे। तो हम लोग जब घर पर आए तो ये लोग मुझे अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे। तो यहाँ पर अज़रा सब लोग अपना आउटफिट दिखा रहे थे, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ सबके ड्रेसेस। तो ये लोग सबको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी दिखाने के लिए। और रिदा बोल रही थी ईद कब है अब, मतलब अभी इसने रोज़े भी नहीं रखे, चांद भी नहीं दिखा रमज़ान का, अब इसको ईद कब है, वो उसको एक्साइटमेंट है। तो फ्रेंड्स ये है अज़रा का वॉच और ये है अज़रा का पर्स, और सब लोग अपना अपना एकदम अच्छे से सजा रहे थे दिखाने के लिए वीडियो में। तो अज़रा ने फॉर्मल से शूज़ लिए, उसको ज़्यादा से हील चिलो लास्ट टाइम लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, यहाँ वहाँ गिर भी रहे थे, तो इसकी वजह से नॉर्मल से लोगों ने शूज़ लिए। और ये रिदा ने स्कर्ट और टॉप लिए, बहुत ज़्यादा प्रेटी थे, सबके ड्रेस बहुत अच्छे थे। और ये रिदा का स्कर्ट है और ये उसके ऊपर इसका टॉप है। तो लोग सब मार्केट गए थे और सब ने अपनी अपनी शॉपिंग, लोगों ने सब चीज़ ले लिए। तो ये मॉम की पर्स है, मॉम ने जो लिए, इंशाल्लाह मॉम इस साल हज पे ज़रूर जाएंगे और हो चुका है सब फाइनल, तो इसलिए वो अपनी छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं हज पे जाने के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए भी उन्होंने अपने लिए शूज़ और एक बैग लेके आए थे जिसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट जो भी सामान है, एक बड़ा बैग है जिसमें सब चीज़ आ जाए आराम से। सो फ्रेंड्स ये है उनका पर्स और ये है मॉम ने अपने लिए शूज़ लेके आए ताकि वहाँ पे वो इजीली वहाँ पे वॉक कर सके अच्छे से। तो ये मतलब तीनों को हम लोग ने अच्छे अच्छे शूज़ दिला दिए थे ताकि लोग डेली भी वेयर कर सके। तो यहाँ पे ये रिदा अपने शूज़ वेयर कर रही है, मैं उसको बोल रही हूँ जाके नीचे पहन के दिखाओ सबको। तो अब रिदा जाएगी नीचे पहनेगी और रिदा तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। रिदा ने पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स ली है और बहुत ही प्रिटी लग रहा था, सबके ड्रेस बहुत अच्छे। अज़रा ने नॉर्मल ड्रेस लिए, मतलब पाकिस्तानी ड्रेस ली है अज़रा ने। और ये मॉम का शूज़ और जो पर्स था ना फ्रेंड्स, एकदम मैच हो गया था। तो वही हम लोग बोल रहे थे देखो मम्मी ने सब मैचिंग लेके आए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बस जस्ट मैच हो गया था, ऐसा कुछ मैच लाने का वो नहीं था। फिर अज़रा आ गई कि मेरे रज़ायना आ गई कि नहीं मेरे शूज़ ज़्यादा मैच कर रहे हैं इस पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे चांद रात भी थी, इस मतलब नेक्स्ट डे चांद रात थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है रमज़ान के लिए। माशाल्लाह से अब हर मुस्लिम बहुत एक्साइटेड रहते रमज़ान के लिए। सो फ्रेंड्स उसके बाद मॉम ने मेरे लिए दो कुर्ती लाए थे जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाई थी, जो मेरा भाई मेरी वीडियो ख़राब करने की पूरी पूरी कोशिश करता है हमेशा। तो यहाँ पे दोनों कुर्ती लाई थी, इसमें से मैं आज एक वेयर करने वाली हूँ। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली है वो मैं आज पहनूंगी कुर्ती, बहुत ही प्रीटी दोनों कुर्ती, और दोनों इतनी रिजनेबल है ना फ्रेंड्स, एक 200 की और एक 250 की कुर्ती थी और बहुत ही प्रीटी लग रही थी, और इसका वर्क वगैरह और इतनी कंफर्टेबल कुर्ती थी। तो मॉम जब मार्केट गए थे तो हम लोग के लिए लेके आए थे, तो मैंने आज एक पहन ली थी चांद रात वाले दिन, सोचा आज चांद रात है तो कुछ अच्छा नया नया पहनते। तो मैंने आज चांद रात में ये ब्लू वाला पहना और ये मेरी सिस्टर ने शायद पहना कि नहीं क्या पता। फिर मैं फ्रेंड्स देखो जायना सुबह सुबह मिर्ची का ठेसा और रोटी लेके बैठी, ये सुबह में मीठा बिल्कुल नहीं खाती है, रिदा खा रही है चाय पराठा। रिदा हाय करो, रिदा चाय पराठा। और जायना को देखो इतना तेज तेज खाती है सुबह में सब लोग, तुम खाते हो चिली, रिदा खाती है चाय पराठा। हम लोग चांद देखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये हमारे घर के बाहर वाली विंडो है वो हम लोग ओपन कर रहे हैं, जो कि मेरी बहन बहुत मेहनत कर रही है। गोइंग तो उस साइड है, तो अपने वहाँ से दिखेगा ना टेरेस, टेरेस इस साइड चले गए, किस साइड चले गया। चैनल आप सबको चांद बहुत बहुत मुबारक हो रमजान का, और आप सबको रमजान भी बहुत बहुत मुबारक हो। और रिदा भी बोलेगी, रिदा बोलेगी। सो सभी रिदा को इतने रात में लस्सी पीना, रिदा क्या चाहिए, क्योंकि जायना पी रही है छाछ, इसलिए अब रिदा को लस्सी पीना। अच्छा अभी रमजान मुबारक अच्छे से बोलो सबको, सब सबको अच्छे से बोलो रमजान मुबारक टू ऑल, टू ऑल YouTube फैमिली बोलो, YouTube फैमिली अभी yeah. मेरी फ्रेंड मेरा ये चैनल देखती है। ओके फ्रेंड्स, तो कल से इंशाल्लाह फर्स्ट सैटरडे रहेगी और मैं आप लोग के साथ
सो इंशाल्लाह फ्रेंड्स कल हम लोग बनाएंगे फर्स्ट व्लॉग अपना रमजान का और मैं आपके साथ फर्स्ट रोजे का रूटीन शेयर करूंगी। वापस सबको चांद मुबारक, सबको रमजान मुबारक, अच्छे से रोजे जाए, सब जन अच्छे से रहो, खुश रहो। डैडी को देखो रमजान मुबारक। फ्रेंड्स अभी फटाफट हम लोग डिनर करेंगे और अभी हम लोग सो जाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग सहरी में उठेंगे और इंशाल्लाह अब सहरी हम लोग करेंगे अपने टेरेस पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोग को रमज़ान में सहरी करना। हम लोग टेरेस पे ही करते हैं अपनी सहरी रमज़ान में, और वैसे तो हम लोग बाकी टाइम तो हम लोग ब्रेकफास्ट हॉल वगैरह में कर लेते थे, बट रमज़ान में टेरेस पे बहुत अच्छा लगता है सहरी करने में। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ सहरी में और जल्दी जल्दी हम लोग डिनर करके सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरे भाई ने रेडीमेड पराठे लाया, रेडीमेड ये पराठे का पैकेट लेके आया है। पर हमें तुम बनाते हो ना, हम लोग कल नहीं बनाने वाले हैं। क्या क्या बनाएंगे? अभी स्पेशल फ्रीज में रख दूंगी, जब तुम बाद में ना, जब तुम्हारा मूड नहीं होगा तो कभी, तो फिर हम लोग इसको पराठे बना के खाएंगे। तो रख दो फ्रीज, अभी ऐसे रख देते हैं, बर्फ में डाल देते। तुमने क्या क्या किया वो दिखा, अभी देखो मैंने क्या क्या रखी वाला। मैं ये देखो फ्रेंड्स ये सब ये है ना, ये सब टमाटर मैंने पीस के रखी हूं। सब हंसेंगे मम्मा, देखो टमाटर पीस के रखी है और ये बटाने हैं इसके अंदर, और फिर इसके ये नींबू पा, ये नींबू है पूरा रखी हूं, और फिर मैंने चिकन वगैरह भी सब ला के रखी हूं, और बकरी का मटन भी ला के रखी हूं, बाकी सब चीज है अल्लाह के करम से। ये टमाटर देखो, टमाटर है ना मैंने पीस के और इसका पेस्ट बना के रखी हूँ और फ्रीजर कर दिया, और ये नींबू का जूस है, ये नींबू मतलब नींबू है पूरा ये बॉटल। वहाँ पर यूज कैसे करेंगे आप इसको? बाहर रख देने का पहले से ही, पानी हो जाएगा फिर जूस बन जाएगा। एक आंटी ने एक आइडिया बताया थे, बोल रहे थे कि छोटी छोटी थैली में बांध के रखने का, तो जब चाहिए रहेगा एक पैकेट फाड़ लेना। पूरी बॉटल ही रख दी बना बना के, आधा देर तक ही एक जूस है मेरे घर में। हर बार एक घंटा पहले तुमको निकालना पड़ेगा मम्मा, महंगा हो गया नींबू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है रखने के लिए पराठे। जूस जूस इसके यहाँ पे रख दो ना, ऊपर रख दो उधर मकेन के लिए। ये है मिडिल क्लास जुगाड़।